हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूँ आप सभी का दोस्त प्रमोद और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ब्लाइंड सपोर्ट यूट्यूब चैनल। लेके आ चुका हूँ मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। जी हाँ गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ डेवलपर ऑप्शन जो होता है उसके बारे में। मैं बताने वाला हूँ डेवलपर ऑप्शन कैसे ऑन करना है ना, ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। और ये ऑप्शन जो जितने भी डिवाइस है, स्मार्ट डिवाइस है ना, मतलब जितने भी स्मार्टफोन्स है उन सभी में इनबिल्ड होता है गाइस, ठीक है। तो इसको कैसे ऑन करना है ना, किस काम में आता है, सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप सबसे पहले हमारी वीडियोस देख सके। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। जी हाँ गाइस, अगर ये वीडियो शेयर होती है और जितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं उतने जल्दी हम और भी नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, है ना। ये वीडियो जो है ये डेवलपर की ऑप्शन के फर्स्ट वीडियो है और भी आगे वीडियोस अगर आप चाहते हो कि आनी चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और लाइक ज़रूर करें गाइस, ठीक है। हम इस वीडियो में सिर्फ ये बताने वाले हैं कि डेवलपर ऑप्शन क्या है और उसको कैसे ऑन किया जाता है, ठीक है ना, और कुछ ऐसी बातें हम बताने वाले हैं, ठीक है। और ऑन करके हम प्रैक्टिकली दिखाने वाले भी हैं और फिर जो ऑप्शंस है वहाँ पे जितने भी ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन किस काम में आता है ये सब कुछ हम आने वाली वीडियो में बताएंगे। अगर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो, है ना, इस वीडियो पे जितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं उतने जल्द हम वीडियो लाएंगे। अगर व्यूज़ नहीं आते हैं तो हम वीडियो नहीं बनाएंगे, है ना, इस टॉपिक पर। तो इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो, है ना, तो आप अबाउट पेज से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ठीक है, फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। मेल के लिए अलग सा ग्रुप है और फीमेल्स के लिए भी अलग सा ग्रुप बनाया गया है। तो चलिए अब हम वीडियो को करते स्टार्ट। तो गाइज, डेवलपर ऑप्शन जो है ये सभी कंपनी के फ़ोन में होता है, ठीक है, सैमसंग, रेडमी, पोको, रियलमी, लावा, ओप्पो, वीवो, जो भी है ना, सभी में होता है गाइस, ठीक है। तो डेवलपर ऑप्शन ही ऐसा है जो हिडन ऑप्शन है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनको करके हम हमारे स्मार्टफोन को और भी स्मार्ट बना सकते हैं, अच्छी सेटिंग्स कर सकते हैं, है ना, और भी बहुत ही मतलब स्मार्ट तरीके से हम उसकी सेटिंग करके हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, लेकिन गाइस आप अगर डेवलपर ऑप्शन ऑन भी करोगे तो कहीं पर भी किसी भी ऑप्शन को छेड़खानी नहीं करना है। अगर कोई भी गलत हो गया तो हो सकता है कि आपको अपना फ़ोन रिसेट करना पड़े, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स है जो एडवांस लेवल की है गाइस, है ना। तो इसलिए जो है बहुत ही सोच समझ के सेटिंग को छेड़खानी करना होता है, ओके। तो मैं वीडियो लाऊंगा आगे, वैसे कौन सा ऑप्शन किस काम का है ये सब कुछ मैं बताऊंगा आपको अगर ज़्यादा व्यूज आपके आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डेवलपर ऑप्शन को ऑन कैसे करते हैं, है ना, तो ये हम जान लेते हैं, ठीक है, ऑन करके आपको दिखाते हैं गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग में, ठीक है। तो मैं अपने फ़ोन की सेटिंग में चलता हूँ माफ़ कीजिएगा थोड़ा, है ना, एक मिनट टॉक बैक ऑन करता हूँ मैं। टॉक बैक ऑन, नोटिफिकेशन अवेलेबल टू एक्सेस, स्वाइप डाउन विद ओके। तो हम चलते हैं सेटिंग में, सिस्टम लॉन्चर, कीबोर्ड हिडन, फ्राइडे, नो डेटा, नोटिफिकेशन, कांटेक्ट, व्हाट्सएप, फेस मेस, सेटिंग्स ओके। तो सेटिंग्स में मैं क्लिक करता हूँ गाइस, सेटिंग्स ओके। मैंने सेटिंग्स पे क्लिक किया, मैं अपने फोन की सेटिंग में आ चुका हूँ। अब आगे राइट स्लाइड करना है, सेटिंग्स, सेटिंग, सर्च, सर्च, अबाउट फोन, अबाउट फोन, ग्लोबल 14.0.6 ओके। तो अबाउट फोन है, तो आपके पास जिस भी कंपनी का फोन हो उसकी सेटिंग में जाना है और अबाउट फोन आपको देखना है, जहाँ पर अबाउट फोन ऐसा बोलता है तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है। फिलहाल मेरे पास रेडमी का फोन है, है ना, तो जो रेडमी जैसा है वो मेरे अकॉर्डिंग जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा अबाउट पे, अबाउट फोन, अबाउट फोन, ग्लोबल ओके, अबाउट फोन, मैंने अबाउट फोन पे क्लिक किया है। अब आगे चलते हैं, अबाउट फोन, अबाउट फोन, आगे माइली वर्जन, माइली वर्जन 14.0.6 ओके, आगे चलते हैं, डिवाइस नेम रेडमी 10 पावर ओके, डिवाइस का नेम है, आगे चलते हैं,
Notification available. एक मिनट. To access device name storage occupied. ओके. 49.4 GB. ये स्टोरेज बता रहा है. 128 GB. आगे. Miley version. Miley global 14.0.6. ओके ठीक है. तो ये जो बोल रहा है इस पे आपको क्लिक करना है. आपके पास जो भी फोन है तो वहाँ पर बोलेगा वर्जन बोलेगा ग्लोबल 14.0.6. ओके वर्जन 14.0.6.0 जाइंस. ओके जाइंस मतलब ठीक है. इस तरह से बोलेगा. हो सकता है थोड़ा अलग बोले आप लोगों के फोन में है ना. फिलहाल मेरे पास रेडमी का फोन है तो आपको मतलब इसी तरह का वो बोलेगा. सुनिए फिर से. माइली वर्जन. माइली वर्जन माइली ग्लोबल 14.0.6 14.0.6.0 जाइंस. ओके तो इस ऑप्शन पे आपको 7 बार क्लिक करना है. मतलब क्लिक मतलब 7 बार आपको क्लिक करना है. तो मैं क्लिक करता हूँ इस पर. एक बार क्लिक किया और फिर से क्लिक करता हूँ. 2 बार क्लिक किया और फिर से करता हूँ. You are now 4 steps away from being a developer. ओके और करते. You are now 3 steps away from being a developer. 4 बार किया. You are now 2 steps away from being a developer. You are now 1 step away from being a developer. Okay, 6 हुआ. You are now a developer. Yes. इसने बोला you are now a developer. मतलब कि जो developer setting है, मतलब जो developer option है वो on हो चुका है अब. Okay. अब Android version. हाँ हमें क्या करना है ना? आगे चलते कुछ है क्या? Okay. अब हमें देखना है. Factory reset. अब हमें देखना है सच में हमारा developer option on हुआ भी है नहीं. तो हम वो कैसे देख सकते हैं है ना. तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ. मैं यहाँ से बैक करूंगा. Back. Settings. System apps updater. Okay, मैं बैक आ चुका हूँ. ठीक है. अबाउट से मैं बाहर आ चुका हूँ. अब अपने फोन के एडिशनल सेटिंग में हम चलेंगे. ठीक है तो चलता हूँ मैं. Secure SIM cards and mobile net, Wi-Fi, Bluetooth, portable connection, lock, display, sound, notif, home, wallpaper, theme, mask, safe, drive. आगे चलते हैं. Enterprise mode, developer options. Yes, देखो आगे यहाँ पे developer option आ चुका है. अगर आपके फोन में developer option off है तो ये option नहीं आएगा. जब आप on करोगे तो ये option आ जाएगा. अगर आपको ये developer option मिल जाता है तो समझ जाना कि आपका developer option on है ना. on हुआ है. Need other settings. आगे चलते हैं. तो need other settings बोलता है. ठीक है. तो अगर हम need developer options. Developer option जो बोलता है इस पे क्लिक करते हैं. Developer options. Okay, developer option. Available. आगे चलते. Developer options. Okay. Developer options. देखो. Bug report handler. Home screen backup password. तो यहाँ पे सब कुछ आ चुका है, guys. ठीक है. जो भी developer जो developer option है, तो वो सब कुछ यहाँ पे आ चुके हैं option. तो अब कौन सा ऑप्शन किस काम का है ये हम आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे. अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है इस वीडियो पर तो है ना, तो कमेंट में जरूर बताएं वीडियो आनी चाहिए या नहीं. और मैं आप सभी का दोस्त प्रमोद और मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.